हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो गैंगस्टर एक्ट से रिलेटेड है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग है उसको क्वेश्चन कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक से जाकर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखना न्याय संगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के निर्णय में कहा है कि यदि अभियुक्त बेस केस में बरी हो जाता है तो जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन को जारी रखना न्याय संगत नहीं है, प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया गया। इस प्रकरण में जिस एफआईआर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, उस एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोजन को जारी रखना न्याय संगत नहीं पाया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है, और इस केस में ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि यदि बेस केस में अभियुक्त बरी हो गया जाता है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखना न्याय संगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया। आशा करते हैं ये जो जजमेंट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा, और अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।